नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में नौकरी के लिए अब राज्य के ही स्कूल से 10वीं और 12वीं अनिवार्य, नई नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने नौकरी से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल करने के लिए 3 नई नियुक्ति नियमावली के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया। मैट्रिक स्तरीय परिभाषा संचालन नियमावली में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। झारखंड की आरक्षण नीति में आने वाले अभ्यर्थियों और अनुकंपा के मामले में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रावधान शिथिल रहेंगे। पहले केवल मैट्रिक या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, लेकिन अब झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। सरकार ने ऐसा स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए किया है। यह संशोधन 5वें परीक्षा संचालन नियमावली और नियुक्ति नियमावली है। आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, इन बातों को रखना होगा खास ध्यान। आज यानी 6 अगस्त से झारखंड के सभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। आज से झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा जैक से मान्यता प्राप्त सभी माध्यमिक स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हुई। जानकारी के अनुसार इस दौरान सुबह 8 बजे से 12 बजे तक स्कूल 4 घंटे कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसी क्रम में सभी हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल की साफ सफाई और सैनिटाइज का काम पूरा कर लिया गया है। झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगी प्राथमिकी। झारखंड में युवाओं को सरकारी नौकरी में अब प्राथमिकता मिलेगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग JSSC के माध्यम से अब सिर्फ मुख्य परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी। प्रारंभिक परीक्षा की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है। अब एक ही चरण में होगी JSSC की परीक्षा, हेमंत कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक बुलाया गया है। हेमंत कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट गुरुवार को कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। झारखंड में OBC जातियों का आरक्षण बढ़ाने को लेकर बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों का आरक्षण बढ़ाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी एकाएक बढ़ गया है। खुद को OBC जातियों का मसीहा साबित करने में हर दल दूसरे से बाजी मारने की जुगत में जुट गया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सभी दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद, तो इसे जोर शोर से उठा रही है। भाजपा और सहयोगी आसू भी इस संवेदनशील मसले पर खुद को पिछड़े नहीं देना चाह रहे हैं। कांग्रेस, आसू सहित अन्य कुछ दलों ने जातिगत जनगणना के लिए भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जातियों का अंकगणित राजनीतिक दलों को हमेशा लुभाता रहा है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समय समय पर विभिन्न जातीय समूह के हक की आवाज़ उठाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य बड़े वोट बैंक का रिझाना भी होता है। झारखंड में OBC का आरक्षण 14% है, जो बिहार समेत अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम है। इसे बढ़ाकर 27% करने की मांग बहुत पुरानी है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भी इस मांग को उभार कर सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयास किया था। लिहाजा अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार इस पर ध्यान दे। झारखंड में चली तबादला एक्सप्रेस, 13 IPS अफसर हुए इधर उधर। झारखंड में ट्रांसफर एक्सप्रेस चली है, जिसमें राज्य के 13 IPS अफसरों का तबादला हेमंत सोरेन सरकार ने गुरुवार को कर दिया। बोकारो जोन IG के पद पर पदस्थापित प्रिया दुबे का ट्रांसफर कर अगले आदेश तक IG ट्रेनिंग रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल के परिसहायक मनोज रतन चौथे को हजारीबाग SP बनाया गया है।
सीबीएसई और जेके दसवीं के रिजल्ट को लेकर झारखंड के छात्रों ने एनएस से लेकर समानालय तक किया हंगामा। सीबीएसई और जेके दसवीं के रिजल्ट को लेकर झारखंड में छात्रों का हंगामा जारी है। रांची के बाद गोड्डा में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और रिजल्ट में सुधार नहीं होने पर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी। प्रशासन ने दो दिन के अंदर इनकी मांगों पर पहल का भरोसा दिलाया है, तब जाकर के छात्र शांत होकर घर लौटे। दरअसल 4 अगस्त को विद्यार्थियों ने गोड्डा के कारगिल चौक को जाम किया था। वीडियो चंदन कुमार ने 5 अगस्त को कार्यालय आकर बात रखने का निर्देश दिया। 5 अगस्त को सभी छात्र प्रखंड कार्यालय पहुंचकर वहां से छात्रों को लेकर वीडियो समानालय गए। समानालय परिसर में छात्र हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच कुछ बच्चे डीसी भोर सिंह यादव के पास मुलाकात करने पहुंचे। डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सीबीएसई तक पहुंचने में मदद की जाएगी। उन्होंने छात्रों को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में न लेने की सलाह दी। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि दुमका जामताड़ा में ट्रेनों की संख्या और सुविधाएं बढ़ाई जाए। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अपने संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाने की मांग रखी है। दुमका से नई दिल्ली के लिए लंबी दूरी का ट्रेन चलाने और जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेनों को ठहराव के लिए सांसद की रेल मंत्री से बातचीत हुई। यह जानकारी देते हुए सांसद सुनील सोरेन ने बताया कि रेल मंत्री से काफी सकारात्मक आश्वासन मिला है। आने वाले दिनों में दुमका जामताड़ा को रेल के क्षेत्र में नई सौगात मिलने की उम्मीद है। सांसद ने रेल मंत्री को बताया कि दुमका झारखंड की उपराजधानी भी है, लेकिन यहां से लंबी दूरी की ट्रेन का परिचालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, इस पिछड़े क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी लानी होगी। कैबिनेट के निर्णय में कुल 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए प्रस्ताव। सड़क और पुल निर्माण के लिए 454 करोड़ से अधिक स्वीकृति। रेप एंड पोस्को एक्ट में लंबित मामलों की सुनवाई के लिए गठित 22 फास्ट ट्रैक न्यायालय के अगले 2 वर्षों के लिए अवधि विस्तार। विश्वविद्यालय में होगी यूजीसी नेट पास एवं पीएचडी पास शिक्षकों की नियुक्ति। 3 से 9 सितंबर 2021 तक विधानसभा का मानसून सत्र आहूत। जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठन को स्वीकृति। जेएसएससी परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठन को स्वीकृति। जेएसएससी परीक्षा यानी मैट्रिक और स्तर के संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठन को स्वीकृति। जेएसएससी परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठन को स्वीकृति। जेएसएससी परीक्षा प्लस 2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर हिंदी टंकन पद हेतु संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठन को स्वीकृति। झारखंड राज्य समानालय लिपिकीय संवर्ग और भर्ती पद्धति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 गठन को स्वीकृति। खबर मौसम से, झारखंड के 14 जिलों में आज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना, 4 जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना। झारखंड के 14 जिलों में आज बारिश के साथ वज्रपात के आसार हैं, 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया कि शुक्रवार को राजधानी में सामान्यतः बादल छाए रहने हैं। इसके साथ ही दिन में 1 से 2 बार गर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, इसका असर राज्य के 14 जिलों को देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, दुमका, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज में कहीं कहीं वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।